विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधित बैठक अपर जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम सिटी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोग द्वारा आलेख्य प्रकाशन अब 17 नवम्बर को किया जाएगा तथा दावे और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 17 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक कर दी गई है। इस दौरान प्रत्येक बूथों पर 22 नवम्बर, 28 नवम्बर, 5 दिसंबर और 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति जाकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, टेक्निकल कोई रुकावट नहीं है। दूसरा उर्वा से हम भी संतुष्ट हैं। उर्वा नगर से सभी लोगों का राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई है यहाँ पर जिलाधिकारी के मीटिंग हॉल में, और उनको ये अवगत कराया गया है कि 17 नवंबर को पब्लिकेशन होगा, ड्राफ्ट रोल जो तैयार हुआ है, और फिर उसके 17 तारीख के बाद से ऑब्जेक्शन लेके उसको डिसाइड किया जाएगा, और फाइनल पब्लिकेशन ये 15 जनवरी को होना है, जिसके लिए 14 जनवरी को आयोग से परमिशन ली जाएगी, तब ये 15 जनवरी को फाइनल रोल पब्लिश होगा। तो सर इस पर कोई आपत्ति लोग दाखिल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट रोल है, इस पर आपत्ति दे सकते हैं, नया नाम जोड़ने का दे सकते हैं, और अगर किसी का नाम नहीं कटा है, गलत नाम चढ़ा रहा है, मृतक है या वहाँ से विस्थापित है, ऐसे लोगों को काटने के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं। समय निर्धारित जो, हाँ, उसमें दिया गया है समय, आपका जो रिवाइज होके आया है वो 17/11 से लेके आया है, और ये आपका चलेगा 15/12 तक। 17/11 से 15/12 तक कोई भी क्लेम ऑब्जेक्शन दे सकता है, नाम जुड़वा सकता है, और स्पेशल अभियान के दिन हैं 28/11, 5/12 और 22/11 और 13/12। ये स्पेशल डे संडे को हैं, विशेष अभियान रहेगा। बीएलओ अपने बूथ पे बैठा रहेगा, आप आके उसमें क्लेम ऑब्जेक्शन जो देना है, एक विशेष दिवस अभियान के रूप में मनाया जाएगा।